हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के है। और आज के इस वीडियो में आज आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से आप पुश फंक्शन कैसे बनाएंगे और उस फंक्शन का नाम है पुश। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, पाइथन को ओपन करना है। तो आप पाइथन का जो भी आपके पास हो, जैसे ज्यादातर जगहों पर यही आपको मिलेगा देखने को। ठीक है, अगर आप एज अ प्रोग्रामर वर्क नहीं कर रहे हैं, किसी बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क नहीं कर रहे हैं, तो आपको यही मिलेगा आइडियली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। तो इसी को ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पर हमें किस नाम से फंक्शन बनाने के लिए हम डेफ यूज करते हैं और ये स्मॉल में ही लिखा जाता है, ये तो पता ही है कि जब भी आपको फंक्शन बनाना है तो डेफ के बगैर आप बना नहीं सकते। और यहाँ पे पुश नाम से फंक्शन बनाना है, किस नाम से, पुश नाम से बनाना है, तो ये पुश लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या दे दिया, यहाँ पे हम दे देते हैं एक माई लिस्ट, माई अंडरस्कोर लिस्ट दे देते हैं, और एक दे देते हैं क्या, वैल्यू दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर दो हमने दे दिए हैं। और यहाँ पे जब भी फंक्शन बनाते हैं तो यहाँ पे कॉलन लगाते हैं। और यहाँ पर अब माई लिस्ट का क्या होगा, इसमें क्या चीजें आएंगी, किस किस तरीके से क्या क्या चलेगा, तो माई लिस्ट के अंदर हम अपेंड करवाएंगे। ठीक है, अपेंड लिखा हमने, अपेंड जब तक नहीं करवाएंगे तब तक वैल्यूज इसमें आएंगी नहीं। और यहाँ पे वैल्यू को अपेंड करवाएंगे, किसको, वैल्यू को। तो ऊपर मैंने वैल्यू दिया है। ठीक है, अब एंटर करके नीचे आते हैं। जैसे नीचे आते हैं तो इंटेंडिंग को आपको यहां रखना है और अब यहां पर माई लिस्ट ले लेना है। तो यहां पे माई अंडरस्कोर लिस्ट ले लेते हैं, इज इक्वल टू लगाया और इसके अंदर क्या क्या हमें, अच्छा मान लीजिए इसमें वैल्यू नहीं है 5, फिर कॉमा 55, फिर 155, फिर 255, जो भी वैल्यू वो यहां पे दे देते हैं, ये दे दिया। इसके बाद एंटर करके नीचे आते हैं और यहां पे पुश का प्रयोग करना है, तो यहां पे लिख दिया पुश। ठीक है, और ब्रैकेट को ओपन किया और यहाँ पे कर देंगे माई अंडरस्कोर लिस्ट, जो दिया है बिल्कुल वही दे देना है यहाँ पर भी। ठीक है, और फिर कॉमा लगाते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं सपोज कीजिए 4। ठीक है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे तो ऑलरेडी ये लिस्ट बनी पड़ी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी लिस्ट बनी पड़ी है, इसमें क्या पुश करवा रहा हूँ, 4 पुश करवा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 4 लिखा और जब इसको प्रिंट करवाएंगे तो आप देखेंगे कि 4 भी इसमें अपेंड हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, यानी एक ऐसा फंक्शन पुश नाम से बनाया हमने जिसमें कि वैल्यूज को अपेंड कराया जा सके। ठीक है, और अब माई लिस्ट को प्रिंट करा देते हैं, तो माई अंडरस्कोर लिस्ट हो गया। अब यहां से F5 किया, एंटर किया और यहां से कोई भी नाम देके एंटर कर देंगे और एंटर करके, और अब देखिए यहां पर 4 भी अपेंड हो गया। इन मान लीजिए कि और भी कुछ अपेंड करवाना हो, 4 हट जाएगा, 44 इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि बात आपके समझ में आई होगी। मान लीजिए कि 44 रहे और 44 के रहते हुए 55, 77 या कुछ ऐसा भी ऐड कराना है, तो आप इस फंक्शन को दोबारा से उठाइए, कॉल कीजिए और नीचे आइए, एंटर करिए, यहाँ पे इसको नीचे जो है पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए 47 अपेंड कराना है इसमें, तो यहाँ पे 47 दे दिया। अब यहाँ पे इसको चलाते हैं तो चलाएंगे तो देखिए 47 भी अपेंड होगा और ये आगे की तरफ अपेंड होता जाएगा। ठीक है, जो लीफो कॉन्सेप्ट है लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला, उसको आपने पढ़ा होगा, तो वो पॉप में यूज होता है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ पुश करा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये पुश कराया तो ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो इसी तरीके से क्वेश्चन अगर आए तो आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।